बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर रबीत राजा, प्रोग्राम प्ले ऑन में। जी नाज़रीन, बात करेंगे मोहम्मद रिजवान की। जी, मोहम्मद रिजवान को दूसरे लफ्जों में हम रन मशीन कहा जा सकता है। 2021 में बेस्ट क्रिकेटर, 2021 का उनको अवार्ड मिला है। T20 क्रिकेट में बेस्ट क्रिकेटर का उनको मोहम्मद रिजवान को अवार्ड मिला है। और मोहम्मद रिजवान ने ये अवार्ड हासिल किया है T20 क्रिकेट 2021 में सबसे ज्यादा स्कोर बनाकर। जी, 29 मैच खेलकर उन्होंने 1300 कुछ स्कोर बनाए हैं। बिल्कुल 29 मैच खेलकर मोहम्मद रिजवान ने ये सगे मील पूरा किया है और उन्होंने 1326 स्कोर में बनाए हैं और विकेट के पीछे 24 कैच किए हैं। आप हैरान होंगे कि उनकी जो एवरेज थी वो तकरीबन 76.72 थी। इतनी ज्यादा एवरेज के साथ मोहम्मद रिजवान ने ये 1326 स्कोर बनाए सिर्फ 29 मैच खेलकर। और वो क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 उनको जो है ना, सॉरी 2021 उनको अनाउंस किया गया। जी, मोहम्मद रिजवान के बारे में आपको एक और बात बताते चले कि मोहम्मद रिजवान एक दफा, एक टाइम ऐसा था जब मोहम्मद रिजवान के बारे में ये सोचा जा सकता था कि ये बड़ी हिट नहीं लगा सकते या बहुत बड़े स्कोर नहीं बना सकते, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि ये T20 प्लेयर नहीं है। और उन्होंने साबित कर दिया कि वो कितना कंसिस्टेंस के साथ वो खेलते हैं। मोहम्मद रिजवान से जब बात की गई तो उन्होंने शुक्रिया अदा किया अपनी मैनेजमेंट का कि उन्होंने मैनेजमेंट में मुझ पर ट्रस्ट किया और मुझे ओपनिंग दी, जिसकी वजह से मैं जो है ना, अपने आप पे कॉन्फिडेंस मुझे हुआ और मैंने ये संगे मील पूरा किया। बहुत बहुत मुबारक देते हैं हम मोहम्मद रिजवान को। अल्लाह ताला उनको और कामयाबियां दे और तरक्की करें। मुल्तान सुल्तान के इस वक्त कप्तान हैं और PSL स्टार्ट होने जा रहा है, तो इससे भी मोहम्मद रिजवान को बहुत ज़्यादा बूस्ट अप मिलेगा। और अल्लाह ताला इसी तरह ये ओपनिंग जोड़ी पाकिस्तान की कामयाब करे। एक वक्त होता था कि पाकिस्तान की जो ओपनिंग है ना, वो हमें कभी भी अच्छी नहीं मिलती थी। 25-26 बस ज़्यादा 30-40 तक जो है ना विकेट जो है ना चली जाती थी। अब जब से माशाल्लाह मोहम्मद रिजवान के साथ बाबर आजम का कॉम्बिनेशन बना है तो मोस्टली 70+ में ये ओपनिंग पार्टनरशिप जाती है। तो अल्लाह करेगा कि मोहम्मद रिजवान इसी तरह खेलते रहेंगे और इसी तरह रन मशीन बनते रहेंगे। नाज़रीन, मज़ीद अपडेट्स के साथ हमारे साथ रहिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमान अल्लाह।